माँ, माँ, आपके मूल रूप में दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माँ। मैं भी धन्य हुई ऋषिवर, पुत्री रूप में आपका स्नेह पाकर। किंतु अब शीघ्र ही मुझे जाना होगा। पिता के लिए पुत्री का वियोग सहना सदैव कठिन ही होता है माँ, परंतु मुझे ज्ञात था माँ कि आप यहाँ अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए आई हैं। मुझे पुत्री के रूप में आपने अपना सान्निध्य देकर कृतार्थ कर दिया माँ। आप महाशक्ति हैं देवी, किंतु हमें अपने अस्त्रों से आपको अपनी शक्ति भी प्रदान करने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद प्रभु, देवी महाशक्ति हैं ये, परंतु मेरी पुत्री भी हैं। इसीलिए आपके द्वारा मेरी पुत्री कात्यायनी को शक्तियां प्राप्त होने से मैं अपनी पुत्री के लिए भयमुक्त हो जाऊंगा प्रभु। आपकी शक्ति सहर्ष स्वीकार करती। कर्म ही जीवन का, सृष्टि का आधार है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। मा शोक दुख निवारिणी, हे सर्व मंगल कारिणी। धन की रक्षा के लिए अधर्मी का संहार आवश्यक। अब मेरे जगत के प्रति कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। महिषासुर के कुछ पुण्य अभी भी शेष है। जब उन पुण्यों का प्रभाव चुक जाएगा तब मेरे द्वारा उसका अंत होगा। तब तक मैं विंध्याचल पर्वत पर प्रतीक्षा करूंगी और आज के बाद वही मेरा स्थान कहलाएगा। सर्वप्रथम मुझे महिषासुर को और पाप करने से रोकने का प्रयास करना होगा, किंतु यदि वो नहीं माना तो मुझे ऐसे कारण उत्पन्न करने होंगे जिससे उसके पापों का घड़ा शीघ्र भर जाए। महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय। महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। अवश्य मदिरा का प्रभाव है ये। मदिरा से रिक्त क्यों है मेरा मदिरा पात्र? मदिरा लाओ। तुच्छ नारी, हम पुरुषों की सेवा का
एक छोटा सा दायित्व सौंपा है नियति ने तुम्हें, वो भी नहीं निभा सकती तो क्या लाभ है तुम्हारा? महिषासुर सुर महिषासुर सुर कौन है ये दुष्ट जो दबे स्वर में मेरा नाम फुसफुसा रहा है? कोई भी तो नहीं है यहां। व्यर्थ चिंता में पड़ गया मैं। महिषासुर, आपके पापों की गागर भरती जा रही है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है जो मुझसे छल करने का प्रयास कर रहा है? साहस है तो सामने आओ। कौन है यहाँ? बोलो। महाराज, आप कुशल तो हैं, या हम सभी से कोई भूल हो गई? मेरे सकुशल होने पर संदेह है तुम्हें? किंतु कोई तो है यहाँ जो अधिक समय तक कुशल नहीं रहेगा। ए नर्तकी, दुस्साहस किया तुमने रुकने का? नृत्य क्यों रोक दिया? क्या मैंने तुम्हें नृत्य रोकने के लिए कहा? बिना मेरे आदेश के नृत्य रोका, दंड दूंगा मैं तुम्हें इसका। क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा तुम्हें। रुक जाइए स्वामी। कृपया करके ऐसा मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए इन्हें। क्या देख रहे हैं मेरे नयन? हुआ है मेरी पत्नी भ्रमरी का यहाँ आगमन, जो कदाचित अच्छाई और बुराई का भेद बताएंगी मुझे, या फिर देंगी अनावश्यक भाषण, या यहाँ आई हैं आप अपने नृत्य से करने हमारा मनोरंजन? स्वामी, ऐसा मत कीजिए स्वामी। नृत्य पुनः आरंभ करो, पुनः। उचित है, सब कुछ उचित है यहाँ। भय का कोई कारण नहीं। आनंद लो अपने नवीन साम्राज्य का महानतम महिषासुर। महिषासुर, जितने अधिक पाप करोगे आप, उतनी ही शीघ्र होगा आपका अंत। कौन है ये कपटी जो छिपकर बार बार मेरे कान में फिर भिना रहा है? साहस है तो मेरे समक्ष आओ। दोस्त, तू मुझे चुनौती दे रहा है, महातम महिषासुर को। मेरे समक्ष तो आ, अंत करूंगा तेरा, और अंत करूंगा तेरे इस कपटी स्वर का। समक्ष आ मेरे। मुझे इस वातावरण से बाहर निकलना होगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी का स्वामी। क्या था ये मदिरा के कारण उत्पन्न भ्रम? भ्रम? कैसा भ्रम? मैं तो वास्तव में यहाँ हूँ महिषासुर। ये गजमुख बालक यहाँ कैसे? उत्तर नहीं दिया आपने, क्या भ्रम हुआ था आपको? बस बालक, बस बंद करो अपनी ये मायावी क्रीड़ा। भूल हुई थी मुझसे, तब वध जो नहीं किया था तुम्हारा। ये अब नहीं दोहराऊंगा वो भूल, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भ्रम नहीं, सत्य हूं मैं। आपको आपके भावी सत्य के प्रति सचेत करने आया हूं।
अभी भी पाप का मार्ग त्याग दीजिए, अन्यथा स्वयं महाशक्ति आपका काल बनकर आ रही है। मदिरा पान मैंने की और भ्रम तुम्हें हो रहा है बालक। एक अबला सी नारी मेरा महानतम असुर महिषासुर का वध करेगी। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है, और जो जीवन देती है वो जीवन ले भी सकती है। नारी अपने ऊपर किए गए अत्याचार का प्रतिकार आपसे अवश्य लेगी महिषासुर, अंत करेगी आपका। डर गया, मैं डर गया। बालक, मन की कल्पनाएं सत्य नहीं मिथ्या होती हैं। सत्य तो मात्र मैं हूँ, सभी का ईश, मैं हूँ महीश। और सत्य है देवराज इंद्र से छीना मेरा ये साम्राज्य, इसीलिए तुम्हारी इस गीदड़ भपकियों का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। यदि उसमें तरिक भी सत्य है तो प्रमाणित करो, दिखाओ मुझे कहाँ है वो अद्भुत नारी जो जो मेरा वध करेगी। नहीं दिखा सकते ना बालक, किंतु दिखाऊंगा तो मैं आपको। ऐसा भयंकर कांड करूंगा मैं जिसे देखकर तुम कांप उठोगे, तब भान होगा तुम्हें मेरी शक्ति का। अहंकार के भ्रम जाल में फंसे हुए हो आप, इसलिए सत्य कहाँ देख सकेंगे। आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट, अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। गागर तो क्या, मेरे पाप से सागर भी भर जाए तो भी कोई मेरा अहित नहीं कर सकता मूर्ख बालक। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो स्वर्ग लोक लौटा दीजिए देवताओं को, और माँ शक्ति के चरणों में शरण ले और क्षमा की भिक्षा मांगे उनसे। ये बालक यहाँ भी, ये मेरे पास से आहत क्यों नहीं हो रहा है। महाराज सेनापति चक्षुर, वो बालक यही था वो बालक। कहाँ गया? ये प्रभु को क्या हो रहा है, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं वो। आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट, अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा उस बालक को, मुझसे छलावा करने का परिणाम दिखाऊंगा उसे। सेनापति चक्षुर, जाओ प्रत्येक गांव में जाकर वृद्ध युवा बालक जो भी श्वास लेता दिखाई दे बंदी बना लो उसे। चारों दिशाओं में जाकर मेरे नाम का आतंक फैला दो। जो आज्ञा सुरराज। स्वामी, देवी कात्यायनी ने तो कहा था कि वो महिषासुर का वध करेंगी, तो फिर गणेश की इस लीला का क्या प्रयोजन। गणेश महिषासुर को उकसा रहे हैं ताकि उसके पापों का घड़ा भरे और देवी कात्यायनी उसका वध कर सके। मैं समझ सकती हूँ स्वामी कि गणेश अपनी माँ को पाने के लिए व्याकुल है। वहाँ विंध्याचल पर्वत पर
देवी कात्यायनी भी महादेव और गणेश के बिछोर से व्यथित है और यहाँ कैलाश पर अपने पत्नी के सानिध्य से वंचित महादेव भी अत्यंत दुखी हैं। इन तीनों के वियोग का अंत तो महिषासुर के अंत से ही होगा स्वामी, और तब देवी पार्वती पुनः अपने परिवार के निकट लौट सकेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि देवी कात्यायनी के द्वारा शीघ्र ही उस दुष्ट का अंत हो, जिससे गणेश, देवी पार्वती और महादेव पुनः एक हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा। किंतु प्रभु, गणेश के उकसाने से वो दुष्ट निर्दोषों को कष्ट देगा। नियति कभी अन्याय नहीं करती देवी, दोषी को ही दंड मिलता है। जो अभी आपको निर्दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी किसी जन्म में अवश्य कोई ना कोई पाप किया होगा। पुत्र, क्या कारण है तुम्हारी चिंता का? माँ, महिषासुर दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, निरंतर पाप कर रहे हैं। माँ, निर्दोष पुरुष, स्त्री, बालकों और सभी पर अत्याचार कर रहे हैं वो, फिर भी आप शांत हैं माँ? आप उनके पापों से मुक्ति कब दिलाएंगी माँ? आप उनका वध कब करेंगी माँ? पुत्र, मुझे महिषासुर के प्रत्येक कुकृत्य का भान। वो अभी ईश्वर भक्त ऋषियों और तपस्वियों को ताड़ना दे रहा है। उन्हें सताकर उन्हें धन के मार्ग से भटका रहा, उसके बाद वो स्त्रियों को यातना देगा। और उसके पापों की अति तब होगी जब वो सुकोमल बालकों को कष्ट दे। उन्हें वो सब करने का अवसर ही क्यों दे रही है माँ? आप अभी उन्हें उनके पापों का दंड क्यों नहीं दे रही हैं? पुत्र, जगत जननी हूँ मैं, इसीलिए अपनी सभी संतानों को उनकी भूलों को सुधारने का, उनके पापों का प्राश्चित करने का अवसर देना मेरा कर्तव्य है। दया माँ का धर्म है, इसीलिए एक माँ होने के नाते मुझे उसको भी अपने पाप कर्म रोकने का अवसर देना ही होगा। कदापि नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। ईश्वर भक्तों, पहचानो अपने ईश्वर, नवीन ईश्वर महिषासुर को। चलो झुको, नमन करो मेरे समक्ष। उत्तन दुस्साहसी, जानता ही है कौन है? ये महान ऋषि उत्तंग है जिनके अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। अच्छा, तो ये है महान ऋषि उत्तंग। तब तो इन्हें अपने समक्ष झुकाने में और अधिक आनंद आएगा मुझे। कदापि नहीं, छल से छीने हुए सिंहासन पर स्थापित होने वाले दुष्ट असुर के अतिरिक्त हम तुम्हें और कुछ नहीं मानेंगे। हे वृद्ध ऋषि, महानतम महाराज महिषासुर के सामने यह दुस्साहस। रुको, उचित है, दुष्ट भी हूं और असुर भी, तो अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर तुम्हें अपने समक्ष झुकने पर विवश क्यों न करूं मैं। जाओ, इनकी स्त्रियों को यहां पर लेकर आओ। माँ,
अब तो कृपा कीजिए, महिषासुर एक के बाद एक दुष्टता की सीमाएं लांघते जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए माँ। पुत्र, उसे एक अंतिम चेतावनी दूंगी, फिर भी नहीं माना तो उसका अंत करूंगी। महिषासुर को चेतावनी देने का कार्य तुम्हें ही करना होगा, किंतु अभी नहीं, उचित समय आने पर। उचित है माँ, मैं इसका कोई ना कोई एक मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.